दोस्तों ऐसा क्या हुआ जब 600 साल बाद खेत में से निकली इच्छाधारी नागिन। दरअसल दोस्तों अलीगढ़ के त्रिलोकपुर गांव में एक बहुत ही बड़ा खेत आया हुआ है जहां एक इच्छाधारी नागिन निकली। दरअसल यह खेत कई सालों पुराना है। कहा जाता है कि इस खेत में एक इच्छाधारी नागिन बैठी है। त्रिलोकपुर में रहने वाले लक्ष्मण जी का यह खेत है जहां लक्ष्मण जी के दादाजी ने उनको दिया था। जब इस खेत में लक्ष्मण जी खेती करना चाहते थे तभी उन्होंने यह खेत की खुदाई करवाना शुरू करवाया। ऐसी जमीन जो बीज बो सके ऐसी लक्ष्मण जी को चाहिए थी। उन्होंने ट्रैक्टर से जमीन खुदवाई तो अचानक ट्रैक्टर का लोहे का हथियार जमीन में कहीं पे अटक गया और अचानक ट्रैक्टर बंद पड़ गया। जब लक्ष्मण जी ने हाथों से मिट्टी हटा कर देखी तो एक इच्छाधारी नागिन खेत से निकली। लक्ष्मण जी ऐसी नागिन को पहली बार देखकर बेहोश हो गए और इच्छाधारी नागिन खेत छोड़कर चली गई। जब लक्ष्मण जी अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्होंने कुछ भी याद नहीं होता है। जब लक्ष्मण जी गांव के बड़े दादा को यह पूछते हैं कि खुदाई करते समय मेरे खेत से इच्छाधारी नागिन निकली, बड़े दादा कहते हैं कि 600 साल से इस खेत में यह नागिन बैठी थी और आज यहां से चली गई। दोस्तों आज का यह वीडियो जब आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।